बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 12 ऑप्टिक्स का टॉपिक लेकर आई हूं और वो है इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला। स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी बहुत काम आएगा और ये काम आएगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूले में तो हम बाद में जाएंगे, पहले हम देखते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स हम ले लें तो, ठीक है। दीज आर द कॉनकेव मिरर्स, ठीक है। ये जो मैंने बनाए हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये सारे कॉनकेव मिरर्स हैं और ये हमारे सामने हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इनसे हमें इमेज कैसे मिलती है, मिरर फॉर्मूला में हम बाद में आएंगे, पहले हम देखेंगे कि हाउ इमेजेस आर बीइंग फॉर्म्ड। तो इसका देखें बच्चों, ड्रॉ करने का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम ये देखते हैं कि इमेज कैसे बनेगी। अब इफ़ दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, हम इसमें इस तरह से समझेंगे कि अगर हमने मिरर बनाया तो सबसे पहले ये मिरर बना के फिर उसके प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने बनाना है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। बल्कि बता देती हूँ आपको कि हमेशा आप मिरर ऐसे लें, ठीक है, और सबसे पहले उसके सेंटर पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, फिर अपना स्केल लेके आप स्केल से यहाँ से ज़ीरो से मेजर करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स जो आपके स्केल में मेजर्ड है ना वो ड्रॉ करें, पॉइंट्स मार्क करें। अब ये पहला 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो आप ऐसा करें कि इसको आप कह लें कि प्रिंसिपल फोकस 2 के बाद, तो इतने ही डबल डिस्टेंस पे ये फोर्थ पॉइंट जो होगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये मेजरमेंट मैंने इसलिए बताई ताकि ये पोल से ये प्रिंसिपल फोकस जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर मिले, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है ना, ये इस तरह से। तो ये हमें ये मिलना चाहिए और ये मेजर्ड आपने ड्रॉ करना है। तो हमेशा जब आप मिरर ड्रॉ करें तो पहले मिरर ड्रॉ करके हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए और फिर ये मेजर करके जहाँ प्रिंसिपल फोकस, चाहे आप यहाँ बनाते हैं तो ये सी हो जाएगा, मैंने ये डबल डिस्टेंस करके ज़रा बड़ा कर दिया तो एफ ये है, तो इसकी डबल डिस्टेंस पे सी होना चाहिए, ये मेजर्ड होना चाहिए ताकि आपकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो भी आपको बड़ी क्लियर मिले, आसानी से मिले, ठीक है। अब हम आते हैं कि अब इसमें इमेजेस हमें कैसे मिलती हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर में यू सी कि देर आर वेरियस केसेस। पहला केस ये है कि वेन द ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सी, क्या कहेंगे हम, बियॉन्ड सी, पहला केस बियॉन्ड सी यानी कि सी से बहुत दूर है तो कैसी इमेज बनेगी। फिर हम अगला केस क्या लेंगे कि ऑब्जेक्ट इज एट सी, यानी कि फिर हम सी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, उसी ऑब्जेक्ट को, ये हेड है ऑब्जेक्ट का, ये टेल है, या ये हेड है, ये उसका बॉटम है, ठीक है ना। तो अब यू सी, और अगला केस क्या होगा, हम आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, बाहर से जो सी से बहुत बियॉन्ड दूर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, फिर हमने उसको सी पे रखा, फिर हम सी और एफ़ के दरमियान में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तीसरा केस होगा बिटवीन एफ एंड सी। बिटवीन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सेंटर में, मतलब एफ़ और सी के दरमियान में कहीं भी, ठीक है। चौथा केस होगा एट एफ, यानी एफ़ पे रखेंगे हम तो हमें कैसा इमेज मिलेगी। और पांचवा केस जो सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें हमारे पास है ऑब्जेक्ट विद इन द, बल्कि मुझे लिखना चाहिए बिटवीन एफ एंड पी, दिस इज़ द पोल, पोल और एफ के दरमियान में, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, दरमियान में यानी कहीं भी, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है। अब इमेज फॉर्मेशन इस तरह से है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, तो मैं ये दूसरे पेन से बनाती हूँ। ये देखें, हम ये कंसीडर करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट से रे हर डायरेक्शन में रिलीज़ हो रही है, लेकिन हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए दो, मिनिमम टू रेज से ही पता चल जाता है कि इमेज कैसे बनेगी। वो कौन सी रेज हैं, देखें, एक रे ये है जो इसके हेड से हम लेते हैं कि साइज़ ये है ना, तो वैसे तो सब तरफ से इसमें से रोशनी आ रही है और स्ट्रेट रेज मिल रही हैं, तो हम इसके साइज़ के मुताबिक लेंगे यहाँ एंड से एक रे, जो कि दिस इज़ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द कर्व सरफेस ऑफ द कॉनकेव मिरर। अब क्या होगा, चूँकि ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो दिस वुड बी पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक पता है, हमने पिछली वीडियोज़ में भी देखा है, ठीक है ना। तो ये पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिफ्लेक्ट और एंड पासिस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। दूसरी रे कौन सी ली जाती है,
आप नॉर्मली ये सी से पास होने वाली ले लेते हैं, ठीक है, जो सी से पास हो रही हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास होती है वो ये इंसिडेंट रे हुई वो उसी पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है और उस इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, ठीक है ना। ये जो ये रे है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द यू कैन से इमेज फॉर्मेशन, टू अंडरस्टैंड द इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज कहाँ बनेगी, इमेज याद रखें बच्चों हमेशा वहाँ बनती है जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रेज मिनिमम टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट। अब यहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रेज कौन कौन सी, एक ये वाली और एक ये जो गई और वापस भी इसी पे आई, तो ये भी रिफ्लेक्टेड रे हुई ना, ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। तो मैं कहूँगी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी तो दिस वुड बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब चूँकि ये टॉप से आ रही थी, टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये इसका ये जो रे है ये टॉप बनाएगा और ये आपका बेस है इमेज का। तो वी सी दैट कि यहाँ पर हमें इमेज मिली, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो इमेज कहाँ मिली, बिटवीन एफ एंड सी, और स्मॉल मिली साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, और इट इज़ इन्वर्टेड ऑल्सो, मतलब ऑब्जेक्ट अगर सीधा खड़ा है तो इमेज हमें उसकी बिल्कुल इन्वर्टेड हालत में मिल रही है, उल्टी मिल रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये रिजल्ट्स फिर ये दो तीन बातें लिखते हैं, 1, 2, 3। पहली क्या है कि इट इज़ बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है, एफ एंड सी। दूसरी क्या है, इट इज़ अ स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या है कि इट इज़ रियल, ये रियल इमेज मिलती है हमें क्योंकि ये एक्चुअली मीट कर रही है रेज, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। यही ये जो तीन चार रिजल्ट्स हैं ये आपको हर केस में इसी तरह मिलेंगे लेकिन डिफरेंट होते हुए। अब इस केस में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर हमने ये जो दो रेज यूज़ किए हैं यही दो रेज सफिशिएंट हैं टू अंडरस्टैंड द इमेज फॉर्मेशन। अब मैं इस केस में बनाऊंगी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो ये पैरेलल रे ली मैंने विद द पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ स्ट्राइक करी तो इसने कहाँ जाना है, इट विल बी पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। दूसरी रे जो है, अब चूंकि ये खुद सी पे ऑब्जेक्ट है तो सी से तो नहीं पास हो सकती, तो दूसरी रे हम लेते हैं जो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही हो, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस से पास होने वाली रे जब देखें इसकी रिवर्स हो जाएगी कि जो पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, तो अगर प्रिंसिपल फोकस से पास होने वाली रे अगर होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये उसकी रिवर्स बिल्कुल ऐसे आपको मिलेगी, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट होके। अगेन दीज टू रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं दे विल बी मीटिंग एट वन पॉइंट, जहाँ मीट कर रही होंगी वहाँ पे इमेज बनेगी, ठीक है, इसी को मैं इधर लिख देती हूँ। तो दिस इज़ द इमेज, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगी प्रिंसिपल एक्सिस में, तो ये इमेज मुझे मिल गई। कैसी इमेज है ये, इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, जो भी इमेज रियल होगी वो इन्वर्टेड भी होगी, ठीक है। तो ये रियल और इन्वर्टेड ये वाली कैटेगरी में है, बाकी ये स्मॉल नहीं है, ये जितना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज इमेज का भी है, और इट इज़ एट सी ओनली, हमें कहाँ मिली, सी पर ही मिली, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है। ये जैसे पोजिशन क्या पता चली, यहाँ पर तो थी बिटवीन एफ एंड सी थी ना, यहाँ पर कहाँ मिल रही है, एट सी, और क्या है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब बिटवीन एफ एंड सी आप और अंदर ला रहे हैं, ठीक है, आप दूर से करीब लाते जा रहे हैं, तो नेचर ऑफ द इमेज हम देख रहे हैं कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, नेचर जो है उसका रियल इन्वर्टेड ही है लेकिन साइज़ में फ़र्क पड़ता जा रहा है, उसकी पोजिशन में फ़र्क पड़ता जा रहा है। अब जब यहाँ रखा तो अब फिर हम ड्रॉ करते हैं कि पैरेलल रे ले लें, विच वुड बी हेल्पिंग इन अंडरस्टैंडिंग द इमेज फॉर्मेशन, इट शुड पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि पैरेलल रे ने हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास होना है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरी रे भी मैं यहीं से ले लेती हूँ, ठीक है, तो आई सी दैट ये जो इधर जा रही है रे ये कहाँ मिल रही है, यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे, बिकॉज पासिंग थ्रू द रे विच इज़ पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस शुड बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुझे ये जो दूसरी रे मिल जहाँ पे ये मीट कर रही है वो कौन सी पोजीशन है, ये सी के बियॉन्ड है। तो अब जो मुझे वो मिला, बल्कि ये मुझे पिंक ब्लू से करना चाहिए था ताकि हम इनके साथ ही इसको अंडरस्टैंड कर सकें, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है इस इमेज की कि इट इज़ फाउंड बियॉन्ड सी, ये कहाँ पर बनी है, सी के पीछे, और साइज़ इसका देखें इसके मुकाबले में बड़ा है, बिगर इन साइज़ या लार्जर इन साइज़ दैन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपने पूरी बात लिखनी है, एंड इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, वो दोनों बातें साथ हैं इसमें भी, ठीक है।
तो ये तीन केसेस हमें मिल गए और इनमें से ये जो केस है फर्स्ट एंड थर्ड, ये दे आर जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर। बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट है तो बिटवीन एफ एंड सी इमेज मिल रही है, यहाँ बिटवीन एफ एंड सी ऑब्जेक्ट है तो बियॉन्ड सी इमेज मिल रही है, इसमें स्मॉलर इमेज मिल रही है, इसमें लार्जर इमेज मिल रही है। एंड एक भी केस याद रहा इन दोनों में से तो दूसरा इसका रिवर्स है। ठीक है, चौथा केस जो है इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि हमने एट एफ ही रख दिया है ऑब्जेक्ट को। तो नाउ वी सी के ये पैरेलल रे जो है टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास होगी, दिस इज सी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। और दूसरी रे इस केस में हम कौन सी लेते हैं, विच इज़ स्ट्राइकिंग द पोल, जो पोल से जाएगी ऑब्वियसली ये क्या बना रही है, एक एंगल आई बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे ये वो होना चाहिए, रे को रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, ये इस तरह से तो हमें क्या मिलेगी, एक वी सी दैट के हमें यू फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दैट एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर, हमें ये दो बिल्कुल पैरेलल रेज मिल रही हैं, पैरेलल रेज, सो दे आर नॉट मीटिंग एट ऑल एनीवेयर। तो हम कहते हैं कि नो इमेज इज़ फॉर्म्ड, या ये कह देते हैं कि इमेज इज़ फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, कुछ भी बात आप कह सकते हैं। और इन्फिनिटी में जाके देंगे ना, वो अगर मिल ही रही है तो इन्फिनिटी में मिल रही है और वेरी लार्ज इन साइज़ के, इतना लार्ज के वो आप यू कांट मेक आउट के इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये वो केस है जिसमें यानी कि एट एफ आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज इज़ फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी या नो इमेज इज़ फॉर्म्ड। पाँचवा केस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकल लेंथ भी बोला जाता है, बिटवीन एफ एंड टी, एफ एंड पी भी बोल सकते हैं, विद इन द फोकल लेंथ, दिस इज द फोकल लेंथ, याद है। अच्छा, अब इसमें भी वही रे बनाइए, ग्रीन से बनाती हूँ जैसे हम बनाते आ रहे हैं, इसको मैंने ब्लू से कर दिया, सॉरी। अच्छा, ये कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। और दूसरी, अच्छा इसको ज़रा मैं सेंटर में ड्रॉ कर लूँ वरना ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, ये इधर मैं बना लेती हूँ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है सारे, ठीक है ना, ये मैं बनाती हूँ इधर, ये कॉनकेव मिरर ये मैंने बनाया, देख लें अभी तरीका, ये P है, ये F है, ये C है, मैंने बिटवीन F एंड P कहीं पे ऑब्जेक्ट को रखा। अब मैं इमेज कैसे बनाऊँगी कि ये पैरेलल रे ली तो इसने कहाँ जाना है, प्रिंसिपल फोकस से पास होना है, दूसरी रे मैंने ये ले ली, जो जितना एंगल आई है उतना ही एंगल आर होना चाहिए, ठीक है, तो ये मुझे रिफ्लेक्टेड रे मिली। अब इन फ्रंट ऑफ द मिरर ये तो दे आर डाइवर्जिंग, दे आर नॉट मीटिंग एट ऑल, तो ये तो इससे भी गया गुजरा केस हो रहा है, लेकिन इट इज़ डिफरेंट इन दिस सेंस कि अगर हम इसको पीछे एक्सट्रापोलेट करें इस पूरी स्ट्रेट लाइन को, ठीक है, पीछे अगर मिलाएं, पीछे अगर ड्रॉ करें तो ये जाके मिलती हैं एक जगह पर, पीछे ये दे मतलब ये कि दे आर अपीयरिंग टू बी, ऐसा लग रहा है कि वो पीछे किसी एक पॉइंट से आ रही हैं, तो यहाँ पर फिर हम कहते हैं अगेन दीज आर द रिफ्लेक्टेड रेज मीटिंग एट वन पॉइंट, अपीयरिंग टू बी मीटिंग एट वन पॉइंट, ऐसा लग रहा है कि मिल रही हैं। तो हमें ये इमेज मिली लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इरेक्ट ऑल्सो, इरेक्ट यानी ये टॉप है तो ये भी टॉप है, ये इन्वर्टेड नहीं है। इन तीन केसेस में हमने देखा था कि इमेज जो है वो इन्वर्ट हो गई थी, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें कैसी इमेज मिल रही है, इसकी फर्स्ट केस है बिहाइंड द मिरर मिल रही है, व्हाट इज़ द पोजीशन, सबसे पहले हमने पोजीशन ही बताई है ना, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, जैसे कि प्लेन मिरर्स में आपको बिहाइंड द मिरर इमेज मिलती है। दूसरी, इट इज़ लार्जर इन साइज, मच लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और तीसरी, इट इज़ वर्चुअल ऑल्सो, क्योंकि ये असल में नहीं मिल रही हैं, असल में तो वो तभी मिलेंगी जब रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेगी, तभी इमेज बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पे ये वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज इज़ फॉर्म्ड। तो हम कहते हैं कि इसमें, इस कॉनकेव मिरर में इन तीन केसेस में रियल इमेज बनी, जबकि पांचवें केस में वर्चुअल इमेज बनी, चौथे केस में कोई इमेज ही नहीं बनी। इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में आइए। अब यहाँ हमने ऑब्जेक्ट के सामने, यहाँ तो कोई एफ और सी नहीं है ना, एफ और सी तो इस स्फीयर का ये वाला पार्ट है, यहाँ कहीं मिलेगा। अब इसके सामने आप फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखें तो देखें ये किस तरह से इमेज बनाएगा, ये गई रे, इसने क्या होना है, डाइवर्ज होना है, नॉट हियर, हियर, किसी भी डायरेक्शन में नहीं होती, एक पैटर्न से होती है जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि इस पॉइंट पर और प्रिंसिपल फोकस को आप ज्वाइन करें, स्केल से रख के एक लाइन बना लें तो ये आपको डाइवर्जेंस मिलेगी कि ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है ना। दूसरी रे कौन सी होगी, जो कि पोल से
टकराएगी, एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर रिफ्लेक्शन के बराबर, तो ये एक डाइवर्जेंस मिल रही है, एक ये रिफ्लेक्टेड रे है, एक ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये कहाँ मीट करती हुई मिल रही हैं, यहाँ तो ये डाइवर्ज हो रही हैं, तो पीछे ये अगर हम इनको ड्रॉ करें तो दे अपीयर टू बी मीटिंग एट दिस पॉइंट, तो ये एक बहुत छोटी सी इमेज हमें नज़र आ रही है जो कि साइज भी डिमिनिश हो गया, और ये टॉप से आ रही है, ठीक है, तो ये टॉप है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के मुकाबले में ये इरेक्ट है, और यानी कि सीधी इमेज मिल रही है, और वर्चुअल भी है एंड बिहाइंड द मिरर भी है, तो ये आप देख लें कि इस कॉन्वेक्स मिरर में एक ही केस मिलेगा, आप ऑब्जेक्ट को चाहे यहाँ रख लें चाहे यहाँ रख लें, हाँ पोजीशन नेचर यही होगी, लेकिन पोजीशन कोई शायद इधर हो जाए या बहुत ज़्यादा एफ के नज़दीक हो जाए, पोजीशन थोड़ी सी फ़र्क होगी, लेकिन विद इन दिस फोकल लेंथ ही होगी ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमें समझ आ गई कि इमेज कैसे डिफ्रेंशिएट करेगी कॉन्केव मिरर में, कब रियल बनती है, कब इमेजिनरी होती है, कब वर्चुअल बनती है, ठीक है। अब इन सब से रिलेटेड जो मिरर फॉर्मूला पे हमने आना है, तो एक मेन हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो मैं यहाँ ड्रॉ करके बताती हूँ आपको, कि जब हम ये इस तरह से कॉन्केव मिरर लिया हमने, ठीक है, ये एफ है और ये सी है, तो हम इसमें एक साइन कन्वेंशन लेते हैं वाइल मेजरिंग द डिस्टेंसेज, ये जो फोकल लेंथ है एफ, इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, हमेशा इस साइड से मेजर करेंगे, और कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस मिरर की हमेशा इट इज़ पॉजिटिव, ये भी हमें पता है, ठीक है, और इस डिस्टेंस को एफ़ बोला, और जब हमने ऑब्जेक्ट को कहीं रखा, जहाँ भी हमने ऑब्जेक्ट को रखा, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगेन मेजर्ड फ्रॉम द पोल एंड इट इज़ गिवन द नेम स्मॉल पी, इसको हम नाम देते हैं स्मॉल पी, ये कैपिटल पी था पोल के लिए, ये स्मॉल पी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इसी तरह जब इमेज बनी इसकी यहाँ पर या यहाँ पर, जहाँ भी इमेज बनी, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल अगेन, जैसे ये मैंने बियॉन्ड सी बनाया है, तो यहाँ कहीं बनी इमेज, ठीक है, तो इस इमेज की जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, क्यू, तो क्यू इज़ वॉट, इट इज़ द इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हमें ये तीन चार चीज़ें यहाँ पता होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, वो क्या बना, इट वुड बी स्फेरिकल फॉर्मूला वुड बी रिलेटिंग दीज थ्री क्वांटिटीज एफ पी एंड क्यू, ये आपको पता है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज़ द इमेज डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ऑलवेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, तो मिरर फॉर्मूला ये है कि वन ओवर एफ इज इक्वल टू वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू, द वेरी फेमस स्फेरिकल फॉर्मूला, इसको स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला इसलिए बोल रहे हैं कि ये फॉर्मूला कॉन्केव मिरर के लिए भी यही है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यही है, फ़र्क ये है कि कॉन्केव मिरर के लिए एफ आप पॉजिटिव रखेंगे, पी हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यू जो है वो इन सब केसेस में क्यू प्लस है, इस केस के लिए क्यू जो है नेगेटिव है, क्योंकि इस केस में क्यू वर्चुअल है, जो भी वर्चुअल डिस्टेंसेज हैं दे आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये जब हम अगर ये वाला केस का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा होगा तो उसमें क्यू की वैल्यू हमने ऑटोमेटिकली माइनस में रखनी है, ठीक है, अगर कोई दी हुई है तो। अच्छा, और दूसरी बात, इस केस में एफ जो है वो नेगेटिव होगा और पी पॉजिटिव होगा, क्योंकि पी की तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है रियल है, क्यू जो है वो वर्चुअल है, तो क्यू की डिस्टेंस भी वर्चुअल होगी तो वो भी माइनस होगी, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्पेशल पॉइंट्स, पहला क्या है कि ये कॉन्केव की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे कॉन्वेक्स की बात हो रही है, कॉन्वेक्स यहाँ पे कॉन्केव, तो पहला पॉइंट ये है कि एफ पॉजिटिव जबकि पी भी पॉजिटिव, जबकि क्यू जो है वो पॉजिटिव फॉर थ्री के फर्स्ट थ्री केसेस एंड नेगेटिव फॉर फिफ्थ केस, ठीक है। कॉन्वेक्स में क्या होगा, एफ नेगेटिव, पी इज पॉजिटिव, क्यू इज नेगेटिव ऑलवेज, और एक ही केस है ये, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन है,
यूज़फुल फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। तो इस ये इतनी डिटेल में बुक में नहीं एक्सप्लेन है, लेकिन आपको ये एफ पी और क्यू बताने के लिए सारा कुछ बताना ज़रूरी था, और ये सारा कुछ लेंसेज में आगे जाके आपने पढ़ना है, और बिल्कुल इसी तरह की वहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। तो अगर इस वक्त समझ लिया आपने तो वो लेंसेज वाला जो जहाँ एक्सप्लेनेशन है वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, और उम्मीद है कि समझ आई होगी। कुछ नहीं अगर समझ में आया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन करें, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।